नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बांग्लादेश ने कहा कि ढाका हमले में आईएसआईएस का नहीं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का हाथ। बांग्लादेश सरकार का दावा है कि पाक सरकार की शह पर वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई उनके मुल्क में अशांति फैलाने के लिए गद्दारों को मदद दे रही है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के राजनीतिक सलाहकार हुसैन तौफीक इमाम ने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश में तख्तापलट करने की फिराक में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आईएसआई और जमात के बीच का रिश्ता जग जाहिर है, वे मौजूदा सरकार को पटरी से उतारना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक आतंकवादी आखिरी वक्त में घबरा गया और जिंदा पकड़ा गया है, इसके पास अहम जानकारियां हैं। ढाका के रेस्टोरेंट में हुए आतंकी हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई थी। ओवैसी आतंकवादियों के साथ भाजपा जदयू ने की गिरफ्तारी की मांग। हथियार और गोला बारूद के साथ हैदराबाद से गिरफ्तार 5 संदिग्ध आतंकियों को कानूनी मदद उपलब्ध कराने के फैसले को लेकर ओवैसी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किए जाने की मांग करते हुए मेरठ की एक अदालत ने याचिका दायर की है। वहीं भाजपा और जदयू ने उनके खिलाफ कार्रवाई तथा तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। उधर यूपी बार काउंसिल के सदस्य अनिल कुमार बख्शी ने ओवैसी के खिलाफ अदालत में एक याचिका दायर की है। बख्शी के अनुसार ओवैसी का बयान देशद्रोह के समान है और साथ ही इससे ये भी पता चलता है कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। गौरतलब है कि ओवैसी ने कहा था कि उनकी पार्टी उन लोगों को कानूनी मदद उपलब्ध कराएगी जिन्हें एनआईए ने कथित रूप से आईएस मॉड्यूल से जुड़े होने के संदेह में गिरफ्तार किया है। इन पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि ओवैसी आतंकवाद को ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं और वह चरम पंथियों के साथ खड़े दिख रहे हैं। जबरन पलायन पर अगले हफ्ते से देशव्यापी सर्वे करेगी विहिप। देश में अपना घर बार और संपत्ति पीछे छोड़कर पलायन करने वाले हिंदुओं पर विश्व हिंदू परिषद देशव्यापी सर्वेक्षण शुरू करने जा रहा है। विहिप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक देश के विभिन्न हिस्सों में हिंदू वहां से हटने के लिए मजबूर है। उन्होंने बताया कि हम लोग हर उस गांव, हर उस शहर और उस कस्बे के गली मोहल्ले में सर्वेक्षण करेंगे जहां हिंदुओं को धमकी और दबाव की वजह से जबरन पलायन करना पड़ रहा है। विप ने हाल ही में अपने नए अभियान पलायन नहीं पराक्रम की घोषणा की है। तोगड़िया ने कहा कि हम लोग उस मुद्दे को संसद और सभी राज्यों की विधानसभाओं में उठाना चाहते हैं। इस संबंध में देशव्यापी बहस होनी चाहिए।